तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज गन्ने की दूसरी खुदाई शुरू करी है। सुबह से ट्रैक्टर चल रहा है और बड़ी दिक्कत हुई वर्षा होने के कारण। पहले सिंचाई कर दी, उसके बाद वर्षा हो गई तो ये खुदाई लेट हो गई, जिससे घास बहुत ज़्यादा हो गया खेत में। ये पोजिशन है, जितनी घास दिख रही है गन्ने में इतनी बीच में भी थी। तो ये बीच वाली घास तो हमने रोटावेटर से जोत दी, ट्रैक्टर चल रहा है वो, और अभी इसको मजदूरों से निकलवाएंगे। ट्रेंच विधि का गन्ना है ये हमारा। ये आलम है खेत में घास का, पहले सिंचाई हुई, उसके बाद जब सूखा तो फिर वर्षा हो गई, तो इसकी एक खुदाई मरेगी गन्ने की बीज की, नहीं तो इतनी घास हमारे गन्ने में होती नहीं है कभी। ट्रैक्टर निकलने के बाद ये ऐसा बन जा रहा है और अभी बीच में घास बची है तो ये फाइलों से निकलवानी है। लंच हो गया, अब दोपहर तक इतने टुकड़े में रोटावेटर निकल गया। अब ये अगले पट्टे में लग गया है। एक बार फिर पुनः स्वागत है वीडियो में। आज 13 मई का दिन है, कल हमें लेबर मिली नहीं थी, आज लेबर काम कर रही है। बताते हैं क्या काम हो रहा है, बने रहिए वीडियो में। आज भी बड़ी मुश्किल से केवल 6 ही आदमी मिले हैं और काम ये हो रहा है। जो घास बीच में थी वो तो छोटे वाले ट्रैक्टर से जुत गई, अब गन्ने के बीच की घास निकलवा रहे हैं और इसको निकलवा के बीच में रखवा रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर से फिर रोटावेटर चलाएंगे जिससे कि ये जुत के मिट्टी में मिल जाए प्रकार से। अब ये जुट जाएगी ये तो इसका बीज ख़त्म हो जाएगा, अगली बार घास जमने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। एक बार तो हमने इसमें रोटावेटर निकलवा दिया छोटे ट्रैक्टर का, दूसरी बार अब फाइले से निकलवा रहे हैं घास बीच की, फिर इसको जोतेंगे और जो घास हम निकलवा रहे हैं उम्रे से बीच में रखवा रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी बीज ऊंचा हो गया। अगर हम ऐसे ही इसकी सिंचाई कर देंगे तो इसमें दिक्कत बन जाएगी, गन्ने की जड़ में पानी लंबे समय तक भरा रहेगा जिससे गन्ना दबेगा, तो इसको हमको समतल भी करना है, वो भी ट्रैक्टर से होगा। ट्रैक्टर चल रहा है छोटा वाला, 3 फीट का रोटावेटर है इसके पीछे, और इस प्रकार से हमने घास निकलवा के बीच में इकट्ठी करवा दी और इसको रोटर से जोत रहे हैं इस प्रकार से। अब इसमें घास का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, ये बराबर वाला उम्र आएगा तो एक बार ये शॉर्ट ले लूँगा और आज इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो फिर एडिट होने में समझ में नहीं आती है। तो ये पोजीशन बनी है, दोनों तरफ से खुदाई होने के बाद घास भी साफ़ हो गई पूरी और घास का बीज भी नहीं बचा। इस प्रकार से गन्ने की सफाई हो गई पूरी। अब इसमें एक प्रोसेस और बच रहा है, वो मैं ट्रैक्टर से दूर जाकर बताता हूँ। पहला प्रोसेस ये है कि हमने इस गन्ने की घास साफ़ कराने के लिए 2 बार इसमें से घास उठवाकर बीच में डाल के इसकी जुताई कर दी है, तो ये हमारा गन्ना हो गया गहरा, मतलब
ये जो पट जगह है ये हमारी ऊंची हो गई दोनों साइड हो गई और ये गहरा हो गया। तो जब हम इसमें सिंचाई करेंगे तो पानी भरने की समस्या आएगी जड़ में, तो और जिससे गन्ने में अगर ज़्यादा टाइम तक पानी भरा रह जाता है, कहीं को गहरा होता है, ऊंचा होता है, तो वो गन्ने में नुकसान देता है। तो अब हमें ये मिट्टी इकसार करनी है, वो भी ट्रैक्टर से होगी, उसका कृषि यंत्र दूसरा है, बिल्कुल समतल कर देगा ये, गन्ने के अंदर मिट्टी भर देगा, वो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। गन्ने को मिट्टी लगानी नहीं है क्योंकि गन्ना ब्यांत कर रहा है, अगर मिट्टी लगा देंगे तो वो भी दब जाएगा ब्यांत, केवल इसको समतल करना है जो भाग हमारा ऊंचा हो गया है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जानकारी अगली वीडियो में देंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर एडिटिंग में भी दिक्कत आती है, समझ नहीं आता कई कई दिन की रिकॉर्ड हुई वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।